सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम देख रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी जो है उनकी कैलकुलेशंस, जिसमें आपने लास्ट जो क्लास है उनमें आपने देखी थी बीसीसी जो है काय केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन क्षमता, एफसीसी सीसीपी एससीपी की संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसकी हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सरल घनीय जालक जो है, सरल घनीय जालक जो है अपने पास, सिंपल क्रिस्टल लैटिस जो है अपने पास, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसकी अपन पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सरल घनीय जालक जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सरल है इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल यूनिट सेल अपने पास, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपने पास। तो सिंपल है इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया कि अवयवीकरण जो होता है वो न तो क्रिस्टल के केंद्र में स्थित है, नहीं फलक पर स्थित है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो मतलब सिंपल ही आपको बनानी है, तो अब इसमें सिंपल जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो बना दीजिए बिल्कुल सरल से। इसमें आपको न तो गोले क्रिस्टल के केंद्र पर शो करने हैं और न ही इसमें फेस यानी फलक पर शो करने हैं। इस प्रकार से ये कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में अवयवीकरण न तो फलक पर स्थित है, न ही गोले के केंद्र में स्थित है, तो ऐसा कैसा मानना है। और किसी भी एक कोर की लंबाई है उसकी कल्पना कर लीजिए, क्योंकि कोर की लंबाई सारी सारी कितनी है, हमने माना ए है और वो सारी सारी सेम है। माना कोर की लंबाई कितनी है, ए है। माना कोर की लंबाई ए है। अब ये कोर कोई से भी ले लीजिए, मान लीजिए ये लंबाई है, यहाँ से मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और इस कोर की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, ए मान लिया हमने, ये ए है, कोर की लंबाई ए है, ठीक है। तो कोर की लंबाई ए आ गई, तो ये होगी ए बी बराबर कितनी हो गई, ये ए हो गई। इसमें आपको पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल से सिंपल सा है, ए बी बराबर हो गई ए। चूँकि अपने को एक बात का और पता है कि ए बी बराबर क्या होता है, ये वैसे जैसे उसमें देखा था, तो ए बी बराबर आपको पता है कि एक अवयवीकरण यहाँ स्थित है, यह एक यहाँ स्थित है, जिसमें गोले का आयतन, गोले का जो योगदान है वो कितना है, एक बट्टे आठ है। तो अवयवीकरण एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ये हो गया कि एक जो आपको ए दिखाई दे रहा है इसमें एक अवयवीकरण तो यहाँ स्थित है और एक अवयवीकरण यहाँ स्थित है, ठीक है। दो अवयवीकरण जो है वो बिल्कुल से इसमें स्थित है, तो इसमें ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो इसमें त्रिज्या कितनी है, दो त्रिज्याएँ आ गई, रेडियस कितनी आ गई, दो आ गई, आर और आर, तो दो आर हो गई। तो ए बी बराबर कितना आ गया, टू आर, तो ए बी बराबर यहाँ पर टू आर आ गया, इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई फर्स्ट। या अब ए बी बराबर टू आर आ गया, तो ए बी बराबर ए बी तो है, तो ये अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर टू आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू, ए बी बराबर ए है, ए बी बराबर टू आर है, तो ए बराबर टू आर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, तो अपने को पता है चूँकि घन जो है उसका आयतन कितना है, चूँकि घन का आयतन यानी कितना होता है, भुजा की क्यूब, और भुजा कितनी है ए, तो इसकी क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए घन का आयतन कितना आ जाएगा, घन का आयतन आ जाएगा अपने पास भुजा की क्यूब, मतलब टू आर की क्यूब, या कितनी आ गई, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ आर क्यूब, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये अपने पास आ गया यहाँ पर घन का आयतन। अब अपने को एक बात का पता है कि इसमें गोले कितने काम आ रहे हैं, चूँकि अपने को पता है कि जो गोला है, एक गोला है, उस गोले का यह आयतन कितना है, चूँकि गोले का आयतन, चूँकि गोले का आयतन होता है यहाँ पर चार बट्टे तीन पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब, तो ये एक गोले का आयतन है। चूँकि अपने को एक ये भी पता है कि सिंपल यूनिट सेल जो है सरल, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि सरल घनीय जालक जो अपने पास, सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक में, सरल घनीय जो जालक है उसमें अवयवीकरण, सरल घनीय जालक में अवयवीकरण टोटल कितने काम आते हैं, वो काम आता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बट्टे आठ मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू एक, ठीक है, तो एक गोला जो अब इसमें काम आता है, तो इसमें आता है एक, इसलिए
एक गोले का आयतन ही चाहिए अपने को, इसलिए एक गोले का आयतन, तो जितने गोले होते हैं उसको इससे कैलकुलेशन कर देते हैं। अब अपने को एक गोला ही है तो इसका एक गोले का आयतन वही है जो सेम है, 4/3 πr³। इक्वेशन नंबर आ गए यहाँ पर 4। तो एक गोले का आयतन अपने पास इतना आ गया। अब अपने पास दोनों चीज़ आ गई है, चूँकि संकुलन क्षमता बराबर कितनी होती है, चूँकि संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी बराबर कितना होता है, बराबर होता है यहाँ पर गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन। तो एक गोले का आयतन कितना, एक गोले का आयतन बट्टे जो घन है उसका आयतन कितना है, घन का आयतन गुणा 100। एक गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन गुणा 100। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक गोले का आयतन कितना है, एक गोले का आयतन आ गया यहाँ पर, पैकिंग एफिशिएंसी अपन देख रहे हैं, तो एक गोले का आयतन आ गया अपने पास 4/3 πr³। 4/3 πr³ बट्टे घन का आयतन, घन का आयतन कितना है यहाँ पर, 8r³ गुणा 100। 4/3 πr³ बट्टे 8r³ गुणा 100। तो इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आती है यहाँ पर 52.4%। तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास एक आती है रिक्ति, जिसको वॉइड के नाम से जाना जाता है, वॉइड या रिक्ति। तो वो कितनी आई, तो वो टोटल तो आई अपने को 100% होती है, उसमें से अपनी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 52.4%। तो रिक्ति कितनी आ गई, इसकी रिक्ति कैलकुलेट कर लीजिए, 100.00 52.4। तो अपने पास कितनी आ गई है यहाँ पर, तो इसमें से करेंगे तो 6 पॉइंट, अब ये 9 हो गया, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ये 9, अब ये यहाँ से 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो कितने गए यहाँ पर, कितने बचेंगे, इस टोटल 100 है, 100 में से अपने को 52.4% जो है वो कम करने हैं। तो यहाँ से ये तो 4 हो गया, अब यहाँ से ये कम करेंगे तो ये कितना जाएगा, 7, और ये अब कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में से 5 काटेंगे तो कितना जाएगा, 4, तो ये अपने पास आ जाएगा 47.6%। ये आ गया, तो ये तो आ गया टोटल, ये तो कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की अंदर जो टोटल पैकिंग एफिशिएंसी है, जो टोटल होती है वो ये है। अब आपने कितना काम में लिया, वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है कि इस गोले में अवयवी कणों का योगदान पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, और इसकी जो वॉइड आई वो आ गई ये। तो आपको ये ऐसी चीज़ें याद रखने की, वॉइड कितनी है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक सरल घनीय जालक या जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपने पास है उसकी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी की गणना कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो BCC, एक FCC CCP HCP, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है अपने पास, इनकी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। अमूमन लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते। तो ये हर वीडियो के लिए लागू है कि आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसका आप सब्सक्राइब करें, उसके पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन आता है उसको आपको क्लिक करना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन जो है वो आपके टॉप स्क्रीन पर बिल्कुल से प्राप्त होने लग जाएंगे और आप उस वीडियो को आराम से देख सकेंगे, नहीं तो आप कोई भी वीडियो मिस कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए और अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।